हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय जोसेफ कॉनरड टाइटल्ड टुमारो। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है एक लघु कहानी है टुमारो, जो कि जोसेफ कॉनरड ने लिखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्टोरी में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। जोसेफ कॉनरड ने इसमें चार मेजर कैरेक्टर्स रखे हैं। देयर आर फोर मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। द फर्स्ट वन इज कैप्टन हैगबर्ड, हिज सन हैरी हैगबर्ड, जोसिया कार्विल एंड हिज डॉटर बेसी कार्विल। चार कैरेक्टर हैं। कैप्टन हैगबर्ड है, उसका बेटा है हैरी हैगबर्ड, एक जोसिया कार्विल है और एक जोसिया कार्विल की पुत्री है जिसका नाम है बेसी कार्विल। कैप्टन हैगबर्ड जो एक रिटायर्ड नाविक है, सेवानिवृत्त नाविक है, वो काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। कैप्टन हैगबर्ड इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, यानी कि उसे कठोर अनुशासन पसंद है, अनुशासन पसंद व्यक्ति है कैप्टन हैगबर्ड। वहीं दूसरी ओर उसका बेटा हैरी हैगबर्ड, वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है। ही डजेंट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेड बाई हिज फादर कैप्टन हैगबर्ड। कैप्टन हैगबर्ड के द्वारा जो कठोर अनुशासन हैरी हैगबर्ड के ऊपर लादा जाता है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हैरी हैगबर्ड अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करना चाहता है। तो जो हैरी हैगबर्ड है, हैरी हैगबर्ड और उसके पिता में तनाव की स्थिति रहती है। तो हैरी हैगबर्ड 14 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 14, अपने घर को त्याग देता है। हैरी हैगबर्ड अबैंडन्ड हिज होम एट द एज ऑफ 14। 14 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देता है। तो जब ये बात उसको कैप्टन हैगबर्ड को पता लगती है तो वो काफी दुखी हो जाता है। साथ ही साथ उसकी पत्नी यानी कि हैरी हैगबर्ड की माँ भी सदमे में चली जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कैप्टन हैगबर्ड अकेला बसता है तो उसके मन में एक ही सनक सवार रह जाती है कि उसका बेटा हैरी हैगबर्ड एक ना एक दिन घर जरूर वापस आ जाएगा। अब कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, तो वो एक ही जवाब देता है कि कहीं भी हो वो कल वापस आ जाएगा। जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल है टुमारो, तो वो कहता है कि उसका बेटा कल वापस आ जाएगा। तो कभी भी उससे पूछा जाता है कि उसका बेटा कब आएगा, तो वो कहता है कि वो कल वापस आ जाएगा। कैप्टन हैगबर्ड जो कि रिटायर्ड सेलर है, अपने पुत्र की तलाश में लंदन के एक अखबार में विज्ञापन छपवाता है। ही गॉट एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ लंदन डेली। लंदन के अखबार में एक विज्ञापन छपवाता है कि उसका बेटा गुमशुदा है और किसी को यदि वह दिखाई देता है तो वो उसको सूचित कर सकता है और कैप्टन हैगबर्ड उसको उचित पारितोषिक देकर के सम्मानित करेगा। तो कुछ शरारती तत्वों के हाथ में ये खबर पड़ जाती है, तो कैप्टन हैगबर्ड को इस संदर्भ में काफी अफवाह भरे पत्र लिखे जाते हैं। इसी तरह का एक पत्र कैप्टन हैगबर्ड को मिलता है जिसमें उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हिज सन हैरी हैगबर्ड हैज बीन सीन एट कोलब्रुक। कैप्टन हैगबर्ड को एक अफवाह भरे पत्र में खबर मिलती है कि उसका बेटा हैरी हैगबर्ड कोलब्रुक में देखा गया है। कैप्टन हैगबर्ड का जो एटीट्यूड है इस समय सिनिकल हो जाता है, एक सनकी व्यक्तित्व में वह परिवर्तित हो जाता है। तो वो इस खबर को सच मान लेता है और वो कोलचेस्टर को छोड़ करके कोलब्रुक चला जाता है। कोलचेस्टर में उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके और वह कोलब्रुक में चला जाता है। कोलब्रुक क्यों चला जाता है, अपने पुत्र की तलाश में। तो कोलब्रुक में जाकर के वह दो कॉटेजेस बनवाता है, दो झोंपड़ियां। एक में वह खुद रहता है और जो उसकी
बगल वाली झोपड़ी है उसको वह किराए पर दे देता है, उसमें वो टीनेंट्स यानी कि किराएदार रख लेता है। और वो किराएदार होते हैं एक ब्लाइंड पर्सन है जोसिया कारविल और उसकी डॉटर है बेसी कारविल। तो बेसी कारविल जो उसकी डॉटर है जोसिया कारविल की, उसको कैप्टन हेगवर्ड काफी पसंद करता है। वो उससे घर के पीछे जो गार्डन है उसकी तरफ आकर के काफी बातचीत भी करता रहता है, अपनी बातों को शेयर करता रहता है। कैप्टन हेगवर्ड के हाथ में हमेशा एक फावड़ा रहता है और वह अपने उस गार्डन में कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ काम नहीं है तब भी वह इधर की मिट्टी उधर, उधर की मिट्टी इधर, यानी कुछ ना कुछ वह करता रहता है अपना टाइम पास करने के लिए। और कभी भी उससे पूछा जाता है कि उसका बेटा हैरी हेगवर्ड कब वापस आएगा, तो वो यही कहता है कि कल आ जाएगा, कल नहीं तो अगले सप्ताह आ जाएगा, नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट मंथ नहीं तो नेक्स्ट ईयर। यानी कि वो उसके मन में एक ऑप्टिमिज्म है, एक आशावादिता है कि उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। और वो तो बड़े विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली कैप्टन हेगवर्ड सेज दैट हिज सन विल रिटर्न टुमारो, कि उसका बेटा कल वापस आ जाएगा। भाई दूसरी ओर जो बगल वाले कॉटेज में जो किराएदार रह रहे हैं जोसिया कारविल ब्लाइंड है एंड जोसिया कारविल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिज डॉटर बेसी कारविल। इधर बेसी कारविल जो है वो कैप्टन हेगवर्ड की पहली पसंद बन जाती है और वो ये सोचता है कि बेसी कारविल ही उसके बेटे हैरी के लिए एक सही वाइफ या पत्नी साबित हो सकती है। दैट टाइम सी वॉज अ जेंटल स्पिंस्टर, वह कुंवारी कन्या थी, तो वो इस बारे में वह सोचता रहता है कि ये हैरी हेगवर्ड के लिए ठीक रहेगी। तो यहां पर कोलब्रुक में काफी तलाश करता है मैं अपने बेटे की। कई लोग उसका मजाक बनाते हैं, ये चर्चा का विषय बन जाता है कोलब्रुक में, दुकानों पर, सरायों पर, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर ये सब चर्चा का विषय बन जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन कैप्टन हेगवर्ड आशा नहीं छोड़ता। इन द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं, या जो जोसेफ कॉनर्ड ने लिखा है कि हैरी हेगवर्ड कोलब्रुक में उस कॉटेज में वापस आ जाता है, लेकिन उसका पिता कैप्टन हेगवर्ड उसको पहचानने से इनकार कर देता है और वो उसको मानता ही नहीं कि वह उसका पुत्र है। तो फिर वह बगल वाले कॉटेज में बेसी कारविल के पास चला जाता है, बेसी कारविल के साथ उसकी इंटीमेसी डेवलप हो जाती है और बेसी कारविल काफी बातों को उस समय सोचती है। लेकिन यदि हम इसका कंक्लूजन करें, निष्कर्ष निकालें, तो हम ये नहीं मान सकते कि बेसी कारविल से यहाँ पर हैरी हेगवर्ड मिला है। ये बेसी कारविल का एक मति भ्रम यानी कि हलूसिनेशन है, यानी कि उसको ऐसा लगता है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो बेसी कारविल वॉज इन हलूसिनेशन एंड इट इज नॉट ट्रू दैट हैरी हेगवर्ड मेट बेसी कारविल। तो इसी नोट के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो कैप्टन हेगवर्ड है उसका सिनिकल एटीट्यूड रहता है और वो एक सनक तो विकसित कर लेता है, लेकिन अपने प्रयासों में उस सनक को भी वह दूर नहीं कर पाता है और वो सनक उसके मन में इतना सवार रहती है कि यदि वो उसके सामने आ भी जाए ना तो वह अपने बेटे को पहचानेगा नहीं। तो ये टुमारो जो स्टोरी है उसका ये सार है, समरी है उसकी। आगे हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।